हरियाणा में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसके लिए पुलिस ने अभियान भी चलाए हुए हैं। वहीं इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नशा तस्कर को 5 किलो अफीम सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। डीएसपी कुलवंत बिश्नोई ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि CIA स्टाफ ने जाजनवाला के पास लितानी मोड़ से आरोपी करण सिंह को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। हरियाणा को नशा मुक्त बना रहा है, इसलिए कल दिनांक 12/9/2018 को सही स्टाफ नरवाना ने करण सिंह नामक व्यक्ति जो कदर में इशारा करने वाला है कि कब्जा से 5 किलोग्राम अफीम बरामद की है, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। इसको जाजनवाला के पास आकर लिताड़ी रोड है वहाँ मोड़ के पास पकड़ा गया था, और ये पहले भी थोड़ा मोड़ के में पकड़ा गया था जिसमें सजा हुआ है। तो पहले मुखिया काम करता था, अब काफ़ी दिन से पूछताछ में पता लगेगा अभी फिम्बा काम शुरू किया है, जो अभी आज इसको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल किया जाएगा, वो पूछताछ में जो सामने आएगा वो बता। पकड़ा गया आरोपी हिसार जिले का रहने वाला है, जो कि पहले से ही सजायाफ्ता है। DSP ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पहले बुक्की की सप्लाई करता था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी युवक यह अफीम ट्रांसपोर्टर द्वारा प्राप्त करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ के दौरान पता लगाएगी कि आरोपी के कहां-कहां और किस किस से लिंक है। इन एक्सप्रेस के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।